का गली नंबर 7 नाका जहाँ पे शुरू होता था, ठीक उसी नाके पे मतलब मेन सड़क और मौजूपुरा में ही गोली मार के रतनलाल की वहाँ पे हत्या हुई थी और एक वरिष्ठ डीसीपी की वो भी जख्मी हुए थे, ऐसा सूचना है। फिर हमने कहा ठीक है, हम इसी गली नंबर 7 में चल के देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कौन लोग हैं क्या है। बाहर पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ था उस रोड पे। गली नंबर 7 में हम घुसे बाइक लेकर के, हमारे मित्र अवधू आज़ाद बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था और जनचौक के लिए मैं लाइव कर रहा था फेसबुक लाइव। बमुश्किल हम 100 मीटर ही घुसे होंगे कि हमें कुछ लोगों ने रोका और बोले आप वीडियो कैसे बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो। हमने बताया कि हम मीडिया से हैं, हम पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा कुछ नहीं आप लोग मुल्लों, उन्होंने मुल्लों शब्द यूज़ किया, उन्होंने कहा आप लोग मुल्लों के एरिया में नहीं जाते हो, वहाँ वीडियो नहीं बनाते हो, हम हिंदुओं के इलाके में क्यों आते हो। और फिर उन्होंने आई कार्ड मांगा, हम दिखाने लगे, इसके पहले कि हम दिखाते हैं उन्होंने मारना शुरू कर दिया और वो लगातार मारने लगे। उन्होंने हमें उठा के सड़क पे पटक दिया और उसके बाद लगातार वो मारते रहे सड़क पे। किसी तरीके से हम उठे और फिर उतने में वो कुछ ही लोग थे, 20 धीरे धीरे 1 सेकंड कुछ 20 सेकंड में वहाँ पे 20-25 लड़के जमा हो गए और उन सब के हाथों में हथियार थे, उसमें से 4-5 के हाथ में तो पिस्टल थे, उनके पास धारदार हथियार था, सरिया था, लाठी थे, और उसमें से एक ने मेरे सामने अपने रिवॉल्वर में गोली भरी और तमंचे में, और वो मेरे पेट से बिल्कुल सटा दिया। अब मेरे पेट से सटाया तो मैं उनको दुहाई देता रहा कि देखिए भाई मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ आप ही की तरह, और हम यहाँ पे किसी गैर इरादतन तरीके से नहीं आए थे। और लेकिन वो नहीं माने, वो लगातार मार रहे थे और पिस्टल या जो तमंचा था उनका वो मेरे पेट में सटाया कि उन्होंने कहा कि ठीक है तो हिंदू है तो हनुमान चालीसा सुना, हमने हनुमान चालीसा सुनाया उनको। फिर उन्होंने हम लोग की पैंट उतरवाई, पैंट उतरवाया, चेक किया, फिर वो बोले कि हाँ हिंदू है ये, और उसके बाद भी वो लगातार हमें मारे जा रहे थे। वहाँ से थोड़ी दूर पर 100 मीटर पर पुलिस थी, पुलिस का पूरा जमावड़ा था, पता नहीं उन लोगों ने सूचना दिया या पुलिस अपनी किसी के सूचना पे वहाँ पे आई। पुलिस ने बोला कि नहीं इन्हें जाने दो, दो दो दिल्ली पुलिस के 2 कर्मचारी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं इन्हें जाने दो। पुलिस के जो वो कर्मचारी थे उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि हमें वो फर्स्ट एड के लिए किसी क्लिनिक ले जाएं, और बस वहाँ ने उन्होंने इतना बोल के खाना पूर्ति कर ली और फिर वहाँ से हम लोग निकले। हम बाबरपुर ठीक वहाँ पे मेन रोड क्रॉस करते ही उस गली से, मतलब एक साइड में बाबरपुर है दूसरे साइड में मौजपुर है, बाबरपुर गए, वहाँ पे एक मुसलमान की क्लिनिक थी, जनता क्लिनिक, उन्होंने हमें फ़र्स्ट एड दिया। वहाँ पे हमने फ़र्स्ट एड लिया, उन्होंने हमें पानी वानी पिलाई, फ़र्स्ट एड दिया, पैसा नहीं लिया उन्होंने। हमने कहा नहीं पैसे आप बता दीजिए। फिर एक बुज़ुर्ग और आए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, मुस्लिम बुज़ुर्ग थे वो, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपका ट्रीटमेंट का खर्चा मैं दूंगा, और वो देने को तैयार थे, क्लिनिक वाले लेने को तैयार नहीं थे। फिर हम वहाँ से निकले और ट्रीटमेंट लेकर के हमें लगा कि हमें मेन रोड पे नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो लोग हमें ढूंढते हुए फिर से वापस कुछ कसर रही हो, फिर वापस ढूंढते हुए मेन रोड पे आए, तो हमें यहीं अंदर से गली से निकल जाना चाहिए। तो हम अंदर गली में गए, कुछ मुस्लिम एरिया था बाबरपुर का, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, मतलब वो मोटर मैकेनिक्स थे, और वहाँ पे कुछ ऑटो वाले खड़े थे। हमने उन्हें बताया, उन्होंने हमें देखी पट्टी वट्टी और चोट, तो उन्होंने बोला आप घबराइए मत। वो लोग अपने घर से पानी मंगाए, पानी पिलाया उन लोगों ने, फिर ऑटो वाले ने बोला हम आपको छोड़ देते हैं। हमने कहा नहीं हमारे पास बाइक है, आप रास्ता बता दीजिए हम चले जाएंगे, वेलकम, हमें जाना है गली में से कैसे जाएँ। तो फिर वो ऑटो वाले नहीं माने, वो ऑटो जो है लेकर के 2 लोग हमारे आगे आगे सीलमपुर मेट्रो स्टेशन तक आए, हम उनके पीछे पीछे मतलब चले, और वो बोले कि आप यहाँ पे सेफ हो, आप यहाँ से जा सकते हो, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो हम आपको वेलकम तक छोड़ सकते हैं, या जहाँ कहिए तो आपके घर तक छोड़ सकते हैं। हमने कहा नहीं ठीक है, हमने उन्हें शुक्रिया कहा और फिर हम वहाँ से निकल के आए। घर आने के बाद फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, लोगों को बताया, घर पे सूचना मिली, माँ को बताया, मैंने बताया उनको कि आपका जो पूर्वाग्रह था मुसलमानों को लेकर के वो गलत था, मुसलमानों एरिया से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, हम वहाँ से रिपोर्टिंग करके आए, लोगों ने हमें सहयोग किया, और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ वो हिंदू एरिया में हुआ और हिंदू भीड़ ने किया। वो लोग जैसे ही राम के नारे लगा रहे थे, वो हनुमान चालीसा पढ़वा रहे थे, और वो पेनिस से डिटेक्ट कर रहे थे कि हमारी नागरिकता क्या है। तो मैं अभी बस इतना ही कहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ मेरी ये अपील है आप लोगों से कि आप लोग ये जो सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र है हिंदू मुसलमान करके,
सत्ता में बने रहने का लगातार, क्योंकि ये दिल्ली हारे, झारखंड हारे और आगे भी चुनाव है बिहार में, बंगाल में, वो उसी के तहत ये सब करवा रहे हैं। लोगों का ये कहना था कि अगर कपिल मिश्रा यहाँ नहीं आता, वो लोगों को प्रवोक नहीं करता, तो ये दंगे नहीं होते। साथ में वो ये लगातार ये भी, लोग वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि पुलिस जो थी वो चाहती तो सिचुएशन कंट्रोल कर सकती थी, पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया, पुलिस ने सब होने दिया। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है सबसे कि आपसी भाईचारा अमन बना के रखिए। हम लोग का जो इतना सदियों का एक विश्वास था, वो विश्वास किसी के राजनीतिक उसमें नहीं टूटना चाहिए। बस आप सब के गुजारिश है कि आप सब अपने एरिया में हिंदू मुसलमान एक साथ निकलिए, आप लोग बोलिए कि हम अमन से रहेंगे, हम दूसरों को बीच में नहीं आने देंगे, हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, हम इंसान हैं सबसे पहले, उसके बाद हम भारतीय हैं, और बस हमारा यही रिश्ता है, अमन का रिश्ता है, ये हमारा मुल्क है, हम इसके सौहार्द के लिए, शांति के लिए, भाईचारा के लिए, मोहब्बत के लिए सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। और अपने अपने एरिया में आप निकलिए, आप देखिए अगर आपके एरिया में कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक है और वहाँ पे उसको खतरा है या सुरक्षा है, तो आप उससे बात करिए, उसको सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा की गारंटी दीजिए कि हम आपकी रक्षा करेंगे। और अगर मुस्लिम बाहुल एरिया में कोई अल्पसंख्यक हिंदू या दूसरा कोई मतलब है, कम संख्या में है, तो आप वो मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि वो उस एरिया में जाएं और उन हिंदुओं से गारंटी दें कि हम आप सब मिलकर के आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता।